एक मर्तबा का वाकया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ फरमा रहे थे, एक अराबी को अपने आगे तवाफ़ करते हुए पाया जिसकी ज़ुबान पर या करीमो या करीमो की सदा थी। हजूर अकरम ने भी पीछे से या करीम पढ़ना शुरू कर दिया। वो अराबी रुकन जुमानी की तरफ जाता तो पढ़ता या करीमो, प्यारे नबी भी पीछे से पढ़ते या करीमो। वो अराबी जिस सिमत पर रुख करता और पढ़ता या करीमो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाते हुए या करीमो पढ़ते। अराबी ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि ऐ रोशन चेहरे वाले, ऐ हसीन कद वाले, अल्लाह की कसम अगर आपका चेहरा इतना रोशन और उम्दा कद ना होता तो आपकी शिकायत अपने महबूब नबी करीम की बारगाह में ज़रूर करता कि आप मेरा मजाक उड़ाते हैं। सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि क्या तू अपने नबी को पहचानता है? अराबी ने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम ईमान कैसे लाए? अर्ज़ किया, बिन देखे उनकी नबुवत और रिसालत को तस्लीम किया, माना और बग़ैर मुलाकात के मैंने उनकी रिसालत की तस्दीक की। आपने फरमाया, मुबारक हो, मैं दुनिया में तेरा नबी हूँ और आखरत में तेरी शिफात करूँगा। वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरा और बोसे देने लगा। आपने फरमाया, मेरे साथ वो मुआमला ना कर जो अजमी लोग अपने बादशाहों के साथ करते हैं। अल्लाह ने मुझे मुतकब्बिर और जाबिर बनाकर नहीं भेजा बल्कि अल्लाह ने मुझे बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। रावी कहते हैं कि इतने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, अल्लाह जल्ला जलालहू ने आपको सलाम फरमाया है और फरमाता है कि इस अराबी को बता दें कि हम इसका हिसाब लेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराबी को ये कहा तो अराबी ने आगे से जवाब दिया, या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह मेरा हिसाब लेगा? फरमाया, हाँ, अगर वो चाहे तो हिसाब लेगा। अर्ज़ किया, अगर वो मेरा हिसाब लेगा तो मैं उसका हिसाब लूँगा। आपने फरमाया कि तू किस बात पर अल्लाह से हिसाब लेगा? उसने कहा कि अगर वो मेरे गुनाहों का हिसाब लेगा तो मैं उसकी बख्शिश का हिसाब लूँगा। मेरे गुनाह ज़्यादा हैं कि उसकी बख्शिश। अगर उसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं उसकी मुआफ़ी का हिसाब लूँगा। अगर उसने मेरी नाफरमानियों का हिसाब लिया तो मैं उसकी मुआफ़ी का हिसाब लूँगा। अगर उसने मेरे बुख़ल का इम्तहान लिया तो मैं उसके फजल व करम का हिसाब लूँगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समात करने के बाद इतना रोए कि रेशे मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह सलाम कहता है और फरमाता है कि रोना कम करें। आपके रोने ने फरिश्तों को तस्बीह और तहलील भुला दी। आप अपने उम्मती को कहें कि ना वो हमारा हिसाब ले न हम उसका हिसाब लेंगे और उसको खुशखबरी सुना दें, ये जन्नत में आपका साथी होगा। क्या अकल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।